ये फ्रेंडली पुलिस बोलते साहब, कई की फ्रेंडली पुलिस है केसीआर साहब, हमारे सिटी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है हमारी, ऐसा जुल्म मत करो किसी के साथ, या रॉडी शीटर रहने दो या कोई भी रहने दो, उसको बुला के अच्छे से समझा सकते, उसको बिठा के, अगर उन्हें रॉडी शीटर था तो उसको बिठा के लेके जाके पीएस में पूछते थे कि वो टाइम तू वहाँ क्या कर रहा, तू एज अ पब्लिक के सामने पुलिस नहीं मार सकती, उनके तरफ से हमारे को भी डर बैठ गया, एक पुलिस हमारे पे भी कभी भी मार सकती है बोल के, हमारे को पुलिस से सेफ्टी होना बोल के बोलते, यहाँ उल्टा पुलिस से सेफ्टी हमारे को नहीं है, उल्टा लोगों को मार रही पुलिस। मेरा नाम जो है फरीद है, हम लोग जो है मेहदीपट्टनम आसिफ नगर के एरिया में रहते, हमारे भाई जो है राशिद हुसैन बोल के है, हम लोग जो है अम्बा थिएटर के सामने ठहरे हुए थे मेहदीपट्टनम पे, तो दो जवान आए अम्बा थिएटर के ने, आने के बाद जो है अचानक मारना चालू कर दिए, भैरवनाथ बोल के पुलिस वाले है आसिफ नगर पीएस के, तो अचानक मारना चालू कर दिए, काम पे से आने के बाद जो है बात कर रहे थे, दो जने थे हम लोग यहाँ ठहरे हुए, मेरे साथ जो है दो बच्चे थे काम वाले, वो बच्चों से भी पूछ ले सकते आप, ऐसा मारते क्या अचानक रोड पे कि पब्लिक जो है ठहर के बोल रही, हालांकि पुलिस वालों को वो अरे क्या हुआ साहब ऐसा कहीं को मार रहे बच्चे को बोले तो उन्हें सुन रहे नहीं, भाई जब किसी को मार पड़ा तकलीफ हुई तो उन्हें पुकारेंगे ना, भाई कहीं को मार रहे मेरे को बोल के पुकार रहे, तो और मार रहा वो बंदा पुलिस वाला, अच्छा एक साथ मारते जा रहा, राइट हैंड जो है उनका तुड़िया हड्डी टूट गई, राइट साइड के पैर पे घुटनों पे मारे, दाता हिल गए बंदे के पूरे, फाइटा मार रहे ऐसा बुरा मारते साहब शुरू से। नहीं नहीं वही कंटिन्यू से। तो हम लोग जो है वहाँ पे पान का डब्बा है अम्बा थिएटर के सामने, क्या टाइम पे खुला था भाई पान का डब्बा, ये जो है 11:15 ऐसा 11:15 हो रहे थे, 11 तो नहीं बज रहे थे, 11:15 के करीब की बात है ये, तो अचानक जो है मारना चालू कर दिया, हम लोग काम पे से आगे ठहरे भाई, काम पे से आगे, मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, उन्होंने भी जो है एसी का काम करते, हमारे साथी करते, तो कहाँ पे ठहरे हुए थे आप लोग, अम्बा थिएटर के सामने ठहरे हुए थे एकदम अपोजिट में, वहाँ पे कोई पान शॉप या होटल खुली थी, वहाँ पान शॉप था, पान शॉप के बाजू की ठहरे हुए थे हम लोग, कोल्ड ड्रिंक पी लेते ठहरे हुए थे, मारने की भाई वजह वीडियो है उनको बोल रहा बंदा, बंदे का हाथ भी दर्द है साहब कई को मार रहे मेरे हाथ में दर्द है बोले तो, एक साथ मारना चालू कर दिया, लकड़ी से मारे हाथ से भी मारे, और उनके साथ में जो और एक जवान थे उनका तरीका ऐसा था आगे वाले को पकड़ के पूछने का, ऐसा गल्ला पकड़ के चेक कर रहे हैं तेरे जेब में क्या है, आगे वाले को देख के कोई भी पूछते अरे क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, ये तरीका है क्या साहब फ्रेंडली पुलिस का, ये आसिफ नगर पीएस के जो है भैरवनाथ साहब बोल गए है, कहते पुलिस वाले बहुत मशहूर है कहते वहाँ मारने में, तो बेतहाशा मार दे रहे हैं ये बंदे को जो मारे उनके ऊपर केसेस बुक, उनके ऊपर जो है रॉडी शीटर है राशिद हुसैन, उनके जो है केसेस 2018 या 19 में वहीं पे स्टॉप हो गए थे, मतलब आसिफ नगर पीएस से ही है उनकी रॉडी शीट, लेकिन जो है ये गलत उनको मारे सो है, उनको ऐसा खुसूसन उन्होंने गलत काम कर रहे तो नहीं मारे आके, और पब्लिक पूछ रही थी उन लोगों को, पब्लिक पुलिस पूछ रही थी भाई कहीं को मार रहे आप ना, तो तुमला हटो इन्हें रॉडी शीटर है इसको ऐसी मानना पड़ता, पीएस को नहीं गए, पीएस को गए भाई, पीएस को जाने के बाद जो है वहाँ पे बोले ऐसा ये पीएस के आसिफ नगर पीएस के जवान मारे भैरवनाथ साहब जो है मारे बोले तो, वहाँ पे कांस्टेबल थे लेडीज, उन्होंने क्या करे उठा के उनको फोन मारे, ऐसा मारे बोल के तुम्हारे वास्ते है बोले तो, उन्होंने मेरे से बात करा है मेरे को नहीं मालूम उन्होंने वो जवान बोल के, मैं उनको वही बोला अब यहाँ जो बोल रहा हूँ ऐसा मारे साहब ना जाए इसके, हम ठहरे हुए थे वहाँ पे आके मेरे भाई को मारे बोले तो ठीक है राशिद हुसैन है, अभी उनकी हालत कैसी है, अभी उनकी हालत जो है जाके देख सकते है, हाथ टूटे हुआ है और उनका पूरा ये फ्रैक्चर आ गया पांव में, ये पूरा देखिए आप पूरा मैटर लिखे वहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा लिखे हुआ, आप लोगों को एमएलसी वगैरह नहीं लिखे, कुछ भी एमएलसी वो नहीं लिखे, उल्टा भगा दिए पीएस में गए तो बाहर जाओ बोल के, बाहर जाके ठहरो बोल के भिजा दिए, वहाँ पे कांस्टेबल बैठे थे, हम तो गौर नहीं करे, हम दोनों गए तो बाहर जाओ बोल के बिठा दिए, अभी से आप लोगों को कोई पीएस से कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया साहब, यहाँ पे साथ में वहाँ पे जो जने थे ठहरे हुए उनको भी हम मेहरबानी करके आए लोग हमारे साथ पूछ ले सकते हैं आप बंदों से, भाई इधर आके बोलो भाई क्या हुआ था, हम देखे साहब देखो पार्लर में क्या करो, इसके पास डब्बे का हमला, दो चार दोस्त हमला खड़े हुए थे,
ये भाई लोगों का ग्रुप थोड़ा आगे, चार जने भाई लोग बात कर रहे थे, ये भाई लोग बात कर रहे थे, उतने में दो पुलिस वाले आए, आते कि राशिद का गल्ला, वो बच्चा जो बोल रहे राशिद हुसैन उनका गल्ला पकड़े, इनके कोने मेरे को भी नहीं मालूम, हम लगा वहाँ खड़े हुए थे भाई, हमारे शोर से मालूम हो रहा कि राशिद को आसिफ नगर पीएस के रोडी शीटर है, उनके मालूम है रोडी शीटर है, मेरे को तो वो उतना नहीं मालूम, बट उनको आते कि मारना चालू करे पुलिस वाले, वजह क्या भी मारने की? कुछ भी वजह नहीं थी, हम लोग तो देखे सामने, इन्हों बोल रहे साहब मेरी गलती क्या है, बोलते कि इन्हों मारना चालू करे नॉन स्टॉप, इन्हों 15 से 20 मारा मारे उनको, ऑलरेडी उसका हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर है, और हम लोग थोड़ी रिकॉर्डिंग लिए, थोड़ा अंधेरा था, सही नहीं है रिकॉर्डिंग, आप ये सुन सकते हैं, और वहाँ पर मेडिकल का कैमरा भी है, कल जाके कैमरे में से मेडिकल का भी निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं है, बट पुलिस कैसा मार रही वो पूरे आवाज़ा आ रहे, देखिए आप, बंदा चिल्ला रहा भी, मेरे को मत मारो मत मारो, उनको देख के हम लोग सामने चले गए, राशिद इनके कुछ भी रोडी शीटर एलिमेंट से एक्टिविटीज कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, 3 साल से कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है उनके, 2019-18 में खत्म हो गए, सब चीज में रेगुलर है, डेली फोटो देते, उसके बावजूद भी हरासमेंट है, एक सीधा ये फ्रेंडली पुलिस बोलते साहब, कई की फ्रेंडली पुलिस है, केसीआर साहब, हमारे सिटी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है हमारी, ऐसा जुल्म मत करो किसी के साथ, या रॉडी शीटर रहने दो या कोई भी रहने दो, उसको बुला के अच्छे से समझा सकते, उसको बिठा के, अगर उन्हें रॉडी शीटर था तो उसको बिठा के लेके जाके पीएस में पूछते थे कि वो टाइम तू वहाँ क्या कर रहा, तू एज अ पब्लिक के सामने पुलिस नहीं मार सकती, उनके तरफ से हमारे को भी डर बैठ गया, पुलिस हमारे पे भी कभी भी मार सकती बोलिए, हमारे को पुलिस से सेफ्टी होना बोल के बोलते, या उल्टा पुलिस से सेफ्टी हमारे को नहीं है, उल्टा लोगों को मार रही पुलिस, बस यही हमारा बोलने का मतलब है साहब, हम लोग देखे खड़ गए, हम इनको पहचानते नहीं, वहाँ पीएस में कंप्लेंट नहीं लिए बल्कि भाई लोगों के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल को आए हम लोग, हम तो नहीं गए थे, इनके भोने और इनो भाई गए थे दोनों, आसिफ नगर पीएस है साहब, तो वहाँ भी आपकी कंप्लेंट नहीं, नहीं नहीं लिए, कंप्लेंट नहीं लिए, और बहुत बेतुका हमारे साहब, ये चीज हम लोग देखे, तो मजबूरन आप लोग मुतासिर हो गए यहाँ पे, ले लेके आए उस्मानिया को, बच्चे को ले लेके ऑटो पकड़े वहाँ से, वहाँ से मजबूरन लेके आए, पचकड़ों पे दाता, उसको दर्द हो रहे, शर्ट उतर गया उसका, मेरे को जीने दो साहब बोले तो, तू रॉडी शीटर है, तेरे को ऐसी मारना बोल के ये हम सुने, वो जो बीरू नाथ जो भी नाम है पुलिस का, वो बंदा ऐसा मार रहा था ऐसा बोल के, तू रॉडी शीटर है, तेरे साथ ऐसी करना, लोग आके उनको बचाए भी तो लोगों क्या बोल मालूम, नहीं तुम्हारा नहीं मालूम, इन्हें रॉडी शीटर है, उसको ऐसी मारना पड़ता बोल के बोल रहे, तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को सही बोलना जरूरी है, हम देखे हम आई विटनेस है। आपका नाम भाई? मेरा नाम सोहेल है। आप कहाँ के मुखालिफ? मैं भी मेहदीपट्टनम का ही रहने वाला हूँ। मेहदीपट्टनम कौन से इलाके के? मेहदीपट्टनम आसिफ नगर लगता है मेरे को डिवीजन।